देखो पदार्थ के बारे में बता चुका हूँ पहले भी। अब पदार्थों का पृथक्करण क्या होता है, ठीक है, किसी चीज का सेपरेशन। सेपरेशन कैसे करते हैं हम, सेपरेशन किस चीज का करते हैं? मान लो चीनी में चीनी खोजना हो तो चीनी खोजना आसान है कि नहीं? सेपरेशन कब करते हैं, यानी पृथक्करण या किसी चीज का अलगाव कब करते हैं हम? जब उसमें क्या आ जाती है, इम्प्यूरिटीज आती है, ठीक है, अशुद्धियां आती हैं, ठीक है, क्या आती हैं? इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं, अशुद्धियां आ जाती हैं, या कोई और अवयव या तत्व तो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, इसमें सेपरेशन करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा घर बन रहा हो और जो है बालू और क्या हो, गिट्टी एक साथ मिल जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, या जब देखते होगे रेत जो है क्या करते हैं हम लोग, अच्छी रेत यूज करने के लिए मकान में मिट्टी ना मिले मसाले में तो क्या करते हैं हम लोग, जाली से उसको फिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है, ताकि उसमें इम्प्यूरिटीज ना आ जाए। इम्प्यूरिटीज जाएगा तो हमारा मकान कैसा होगा, कमजोर बनेगा। तो सेम थिंग है, ठीक है, पहले ये जान लो कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है किसी चीज की पृथक्करण की। पृथक्करण की जरूरत इसलिए पड़ती है, मान लो तुम्हारा घर है, ठीक है, घर में किचन होता होगा ना, किचन होता होगा, किचन में ऐसे ढेर सारे रैक बने होते होंगे, बनते हैं ना, यस सर। अब यहाँ पे ऐसे डिब्बे रखे जाते हैं छोटे छोटे, यस सर, रखे जाते हैं ना, यस सर। अब इसमें किसी में हल्दी, किसी में गरम मसाला, किसी में नमक, किसी में चीनी, किसी में चाय पत्ती, किसी में हल्दी, कुछ भी, सब अलग अलग होता है ना। अगर जो उसको एक साथ मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा वो, मिश्रण, क्या बन जाएगा, मिश्रण। अब बोला जाए कि भैया तुमको इसमें सारी चीजें मिला देनी है, हल्दी अलग मिला देना है, सब चीजें अलग मिला देनी है, तो क्या उसको फिल्ट्रेट किया जा सकता है, ठीक। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिल्ट्रेट हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिल्ट्रेट करने का प्रोसेस होता है जो हम बिना रसायन के मदद से, बिना रासायनिक अभिक्रिया के मदद से फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। और उसमें कौन कौन से होते हैं ऐसे, अब ये जान लो कि हमें पृथक्करण की जरूरत इसलिए पड़ी, लेकिन मिश्रण क्या होता है, ठीक है भाई, किसी चीज का मिश्रण होगा तभी तो हम पृथक्करण करेंगे। अब मिश्रण होता क्या है, मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो, ठीक। जैसे हम क्या करते हैं, तुमने देखा होगा ना, अक्सर बोलते हैं कि शरबत बनाओ, गर्मी आ रही है, गर्मी आ रही है, गर्मी में क्या करते हैं लोग, कौन सा शरबत बनाते हैं, नींबू का, नींबू पानी पानी चीनी, ठीक है, दही। अब देखो इसमें तीन अवयव है, इसमें तीन अवयव है, कौन कौन से, नींबू पानी और चीनी। अब इन तीनों को हम एक अनुपात में ऐड करते हैं ना, ऐसा क्या हो जाए कि हम एक लीटर पानी ले, एक लीटर पानी ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें जो है पांच किलो चीनी डाल दें, कौन सा शरबत तैयार होगा, हाँ, कौन सा शरबत तैयार होगा, चाशनी, चाशनी। तो पी पाओगे क्या, या एक चम्मच पानी ले, एक चम्मच पानी ले और आधा किलो नींबू, आधा किलो नींबू, अब उसका रस निचोड़ दो एक चम्मच पानी में, कौन कौन पी पाएगा शरबत उसका। तो मिश्रण मतलब क्या होता है, मैं समझाना चाह रहा हूं, मिश्रण मतलब होता है जिनमें दो या दो मिश्रित होना, मिलना, मिलना कब होता है, जब दो लोग मिलते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा, मिश्रण। लेकिन अगर जो शुद्ध रूप से इसको करना
फिर क्या होना चाहिए? एक अनुपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुपात। अब मान लो हम क्या करते हैं, एक लीटर जो है पानी लेते हैं, तो एक नींबू लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, 10 चम्मच जो है चीनी लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एक अनुपात में एक खट्टा मीठा शरबत बन के तैयार होता है, तैयार होता है ना। लेकिन इसी अनुपात को हम चेंज करते जाए तो मिश्रण कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ना, ठीक है। नींबू बढ़ा दिया जाएगा तो खट्टापन ज्यादा हो जाएगा, पानी बढ़ा दिया जाएगा तो ना नींबू का पता चलेगा ना चीनी का पता चलेगा, चीनी बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, गले के नीचे ही नहीं जाएगा, ठीक। तो मैं कहना इसलिए चाह रहा हूं कि इसमें देखो तीन अवयव है, 1, 2, 3। अब ये भी जरूरी अवयव क्या होते हैं, हर अवयव का अपना अलग अलग जो है कार्य होता है, ठीक। जैसे पानी का अपना अलग है, नींबू क्या करेगा उसको, और चीनी क्या करेगा, मीठा मीठा। तो सबका अपना अलग अलग अवयव है कि नहीं। अब जैसे देखो यहां कुछ मिश्रण लिखे, मिश्रण और उसके अवयव, जैसे वायु हो गया। अब वायु में तुम्हारे क्या क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन होता होता है, नाइट्रोजन होता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता ही है, उसके साथ में वेपर भी होता है, ठीक है, जलवाष्प जो बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ती घटती है, उसके हिसाब से जो है क्या बढ़ता घटता रहता है तुम्हारा, वेपराइजेशन, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या होता है, एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, तरह तरह के जीवाणु कीटाणु होते हैं, होते कि नहीं होते, तो वो भी इसमें मिश्रित ही होते हैं, कहीं पता थोड़ी ना चलता है। अब बोला कोरोना कोरोना, बोले ना, बोले छींक दिए तो कोरोना, खांस दिए तो कोरोना, ठीक है, मुंह खोल दिए तो कोरोना, सब में कोरोना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो किसके माध्यम से जाता, वायु के माध्यम से, ठीक है। बोलते हैं कितना बोल रहे थे, कितनी दूर, कितनी डिस्टेंस के लिए बोल रहे थे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी है। तो अब वायु का ही सारा खेल था, तो वायु में किसी प्रकार के कई सारी चीजों का मिश्रण होता है। अब आ जाते हैं दूध, भैया दूध तो सबके यहाँ इस्तेमाल होता होगा, दूध सबके यहाँ इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, अरे नहीं दूध पीते हो तो चाय तो पीते ही हो। तो अब दूध में क्या क्या पाया जाता है, दूध किस फॉर्म में होता है, पहली बात लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जल की मात्रा तो होगी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वसा होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा और विटामिन होगा। दूध इसीलिए कहते हैं लोग बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें उसमें ऑलरेडी पाई जाती है, ठीक है। अब इतनी सारी चीजों का मिश्रण बन के क्या बनता है, दूध, ठीक है। अब लोग कहते क्या है, गाय चारा खाई और दूध निकला, लेकिन दूध में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ, उसका मिश्रण जो है मिलकर क्या बनाता है, दूध। भाई जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब मिला के क्या बनेगा, दूध, इसका मिश्रण। अब बात करें, लोग जल तो ऐसे नॉर्मल देखे ही हो, जल का कोई वही डेफिनेशन भी सबको पता होता है, अगर जो लक्षण पूछेंगे तो तुम लोग बताओगे जल क्या होता है, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और गंधहीन होता है। लेकिन समुद्र के जल में चले जाओ, रंगो रहेगा, स्वादो रहेगा और गंधो रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। किसने किसने समुद्र का जल देखा है, कहां गए थे, सऊदी अरबी है, मोबाइल में नहीं, हम कह रहे देखा किसने किसने, कहां गए, मुंबई, अच्छा। तो समुद्री जल जो होता है उसमें जल एवं विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब साल्ट पाए जाते हैं उसमें। जब तुम समुद्र का पानी का टेस्ट करोगे तो वो खारा होता है, कैसा होता है, खारा। तो स्वादहीन वाला मैटर तो कैंसिल हो गया समुद्र वाले में, अब क्या बचा, रंगहीन बोलते हैं ना, उसका कलर भी देखोगे तो और नॉर्मल जल की अपेक्षा उसका कलर जो होता है डिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें इंप्यूरिटीज
ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, हालांकि जो कहता है समुद्र का पानी नीला कलर का होता है, ऐसा होता नहीं, वो किसकी वजह से होता है, स्काई का जो शेड होता है उसकी वजह से दिखता है। अब आते हैं गंधहीन, तो कभी जाना बंबई वगैरह गुजरात वगैरह वैसे पानी लेना हाथ में और जरा सूंघ के देखना कैसा महकता है। क्यों? अरे मछलियों की नहीं, तरह तरह के उसमें जो है इंप्यूरिटीज पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हो कि जितनी ऑयल माइनिंग मैक्सिमम होती है कहां होती है, समुद्र के बीच में। ठीक है, तो वो सब इंप्यूरिटीज इसमें पाई जाती है, इसलिए लिखा हुआ जल एवं विभिन्न प्रकार के लवण। चलो गर्मी आ रही है तो आइसक्रीम के बारे में बात किया जाए। आइसक्रीम किसने किसने खाया है भाई? हो अब भैया किताब में तो लिखते दूध और शक्कर है, ठीक है, लेकिन आइसक्रीम की असली शुद्धता देखी जाए तो क्या क्या पड़ता है उसमें? क्या क्या पड़ता है? अरे कोई पाउडर आता है उसको मिला के बनाते हैं, कौन सा पाउडर होता है? बेकिंग पाउडर टाइप का कुछ आता है, और उसमें डाल देंगे फ्लेवर, कहेंगे काजू पिस्ता कुल्फी। ठीक, देखो कोई भी काजू और पिस्ता डाल के 5 रुपए 10 रुपए में आइसक्रीम नहीं बेचेगा, तो क्या करेगा उसका 60 फ्लेवर डाल देगा। तो आइसक्रीम का भी अगर जो आइसक्रीम को बनाया जाता है तो उसमें भी जल और क्या लगता है, चीनी लगता है, दूध लगता है और पता नहीं क्या क्या जो भी लगता हो, इतनी सारी चीजों को मिलाकर क्या बनता है आइसक्रीम। अब वो कंचे की बोतल तो सब लोगों ने खोली होगी। अरे वो बड़ी वाली नहीं छोटी वाली, बड़े लोगों वाली नहीं छोटी वाली, सोडा वाटर जिसे बोलते हैं, खोला है ना? तो सोडा वाटर जो बोतल होता है उसमें भी खाने का सोडा जो नॉर्मल सोडा आता है जो हम लोगों किसी चीज को खुलाने में या किसी चीज में मदद करते हैं लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण होता है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको बनाने के लिए हमें मिश्रण की जरूरत नहीं होती है। जैसे आजकल टीवी पे प्रचार आना शुरू हो गया है गर्मियों का सीजन, कौन सा प्रचार है? आम, मैंगो, कौन सा बोलते हैं उसका क्या नाम है? माजा, स्लाइस, तमाम तरीके का लिमका, कोको कोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, सब तमाम तरह के आ गए ना, आए कि नहीं है? अब अगर जो इनका मिश्रण देखा जाए तो किससे किससे मिलके बना होता है? पानी चीनी तो बनता बनता, उसके अलावा सोडा, और उसके कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और क्या यूज करते हैं? गैस, और केमिकल भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर जो इसको इतना हार्ड बनाना है तो क्या करेंगे, केमिकल का भी यूज उसमें करते हैं। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई भी चीज बिना मिश्रण के नहीं बन सकती। जैसे घर में अगर जो तुम्हें नॉर्मल क्या बनाना है, चावल, तो चावल में भी तुम्हें किस किस की जरूरत पड़ेगी? पानी, चावल, अरे गैस को कुकर सेकेंडरी थर्डरी, पानी की जरूरत पड़ेगी, दाल बनानी है तो पानी, हल्दी, पानी, नमक, मतलब आता है बनाने तुम लोगों को। तो अगर मैं बोलूं दाल बनाना है घर पे तो दाल में किस किस की जरूरत पड़ेगी? दाल, नमक, पानी, पानी, हल्दी, नमक, हल्दी, कच्चे बाद में बहुत कुछ डाल सकते हो, लहसुन प्याज अदरक जो इच्छा करे तुम्हें, तड़के वाली दाल खाने वाला सब इसे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दाल बनाने के लिए देसी कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? तो मैं दाल कहूँ तो इसके अवयव क्या हो गए तुम्हारे? दाल, नमक, पानी और हल्दी हो गए ना। ठीक, इसी तरीके के जितने भी मिश्रण होते हैं सबके कोई ना कोई अवयव होते हैं। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ठीक, अब देखो शुद्ध पदार्थ की बात करें तो क्या होता है, शुद्ध पदार्थों में कहते हैं ना, एक आता था पहले प्रचार टाटा नमक, टाटा साल्ट, ठीक है, क्या बोलते थे, दाना दाना एक समान, ठीक है, वैक्यूम इवोपरेशन मेथड द्वारा फिल्ट्रेट टाटा साल्ट नमक, दाना दाना एक समान, ठीक। तो शुद्ध पदार्थों में क्या होता है कि जो इसका मटेरियल होता है, इसके कण होते हैं, वो क्या होते हैं, समान होते हैं, इनके कण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। अब कण समान अगर जो देखा जाए, तुमने चीनी देखी है किसी लोगों ने, चीनी 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 देखा, अब चीनी का डाइस अगर जो देखो, चीनी का जो है टुकड़ा देखोगे तो मैक्सिमम टुकड़े तुमको सेम तरह के देख मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज बताओ कि चीनी जो होती है, ठीक है, चीनी जो डाइस बन के आती है ऐसे करके, ऐसे आती है ना बन के एक एक दाने, ठीक, वो कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है चीनी को इस तरीके से डाइस के फॉर्म में, रगड़ के काट काट के, गणासा लिए रहते हैं लोग, चीनी का ऐसे लरी निकलता काट के जाते हैं ना, कैसे, मशीन लगी होती है और चीनी में इसे बाल की तरह उतरते से काटते जाते हैं, ऐसा है। अरे बोलो भाई, जी नहीं, ठीक है, चीनी का नेचर जो होता है, बिहेवियर होता है, जब चीनी को हम इवोपरेशन कहते हैं, इवोपरेटर यू देखा है तुमने, इवोपरेटर, जब लो टेम्परेचर पे, ठीक है, वेपराइज करें किसी चीज को विद वैक्यूम, तो उसके जो होते हैं डाइस अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसका जो है बिहेवियर इस तरीके से होता है, ठीक है, कि ये जब भी इसको फॉर्म करोगे तो वो डाइस के फॉर्म में ही बनेगा, क्लियर है। तो एक तो तुम्हारा कण समान किसका हो गया, चीनी का, ठीक है, जिसमें शुद्धता पाई जाती है, ठीक। उसके बाद करें सोना, चांदी, ठीक, इन सब में क्या पाया जाता है।